हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉलीवुड क्रेज। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमारी तरफ से आप सबको ढेर सारा हैप्पी न्यू ईयर विशेस। फ्रेंड, हम सब की दुआ है, हम सब की प्रे है कि जहाँ जहाँ भी आप इस वक्त दुनिया में रह रहे हैं, ये जो ईयर है 2024, ये आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ लाए, आपके जो जो ड्रीम्स हैं वो फुलफ़िल हो जाएँ और आप भी और जो इंडस्ट्री है बॉलीवुड की, ये भी बहुत ज़्यादा तरक्की करे। फ्रेंड, आपको मानना पड़ेगा कि लास्ट ईयर 2023 बॉलीवुड का वन ऑफ द बेस्ट ईयर रहा है, क्योंकि 2022 बिल्कुल एक डल पीरियड जा रहा था, जहाँ पे बॉयकॉट गैंग हर तरफ से आया हुआ था और लिटरली थिएटर्स बंद हो रहे थे। लेकिन 2023 ने इतना ग्रैंड कमबैक किया कि आप देखते हैं अब हर तरफ शोज़ की मारामारी रहती है, कि इतने ज़्यादा क्लैशेस आ रहे हैं कि लिटरली शोज़ कम पड़ जाते हैं। तो इस दुआ, इस प्रार्थना के साथ कि 2024 भी बॉलीवुड के लिए इतना ही अच्छा रहे, हम आज की स्टूडियो में डिस्कस करेंगे कि बॉलीवुड की टॉप 5 ऐसी कौन सी मच अवेटेड अपकमिंग मूवीज़ आ रही हैं 2024 की, जो कि 2023 जैसा धमाका कर सकती हैं या इवन उनके रिकॉर्ड्स भी तोड़ सकती हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। फ्रेंड, 2024 की जो फर्स्ट सबसे बड़ी मूवी आ रही है वो है फाइटर, जिसकी स्टार कास्ट में आपको ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और उसके डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद साहब दिखाई देंगे। ये बैंग बैंग और वार के बाद ऋतिक रोशन और सिद्धार्थ आनंद साहब का थर्ड कोलैबोरेशन है। फाइटर का ऑलरेडी टीजर और सॉन्ग्स वगैरह रिलीज हो चुके हैं। ये बिल्कुल एयर स्पेस पे बनाई जा रही है, एक जिसमें एयर जेट आपको देखने को मिलेंगे, जहाज़ों पे फाइट देखने को मिलेगी, तो बिल्कुल आपको एक न्यू कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा फाइटर मूवी में। फाइटर की ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बस क्रिएट हो चुकी है। फ्रेंड, 2024 की सेकंड जो मच वेटेड अपकमिंग मूवी आपको देखने को मिलेगी वो ईद के मौके पे बड़े मियाँ और छोटे मियाँ देखने को मिलेगी, जिसकी स्टार कास्ट में आपको अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ दिखाई देंगे। ये वायर एफ के बैनर तले मूवी बन रही है, तो काफ़ी लोगों की नज़रें इस मूवी पे भी हैं, क्योंकि वायर एफ को अब एक और ब्लॉकबस्टर मूवी चाहिए। जैसे पठान ने उन्हें काफ़ी पैसा जेब में डाला था, उन्हें एक ऐसी मूवी और चाहिए, और अक्षय कुमार के करियर के लिए भी बड़े मियाँ छोटे मियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। फ्रेंड, बॉलीवुड की जो थर्ड बड़ी मूवी आएगी 2024 में वो इंडिपेंडेंस डे के मौके पे है, और वो है अजय देवगन और रोहित शेट्टी की मूवी सिंघम 3, जिसकी बहुत बड़ी स्टार कास्ट है, जिसमें आपको अजय देवगन भी देखने को मिलेंगे, अक्षय कुमार भी देखने को मिलेंगे, रणवीर सिंह भी उसमें आपको देखने को मिलेंगे, अर्जुन कपूर उसमें आपको एज अ विलन का पार्ट निभाते देखेंगे, करीना कपूर भी उसमें, दीपिका पादुकोण भी हैं। तो ये एक बिल्कुल स्टार स्टडीड होने जा रही है मूवी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा एक्शन, काफ़ी ज़्यादा आपको सस्पेंस देखने को मिलेगा। फ्रेंड, जो नंबर 4 पे मच वेटेड अपकमिंग मूवी है 2024 की, वो दिवाली के मौके पे आएगी, और उसका नाम है भूल भुलैया 3, जिसकी स्टार कास्ट में इस टाइम सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है, तो कार्तिक आर्यन की और सारा अली खान की। फ्रेंड, भूल भुलैया 2 में जो कार्तिक आर्यन ने जादू जगाया था, उसके बाद एक अलग फैन बेस बन चुकी है भूल भुलैया की, और अगर भूल भुलैया 3 का भी वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव आ गया, तो जो जादू भूल भुलैया 2 ने जगाया था 2022 में, जब बिल्कुल हर तरफ डल पीरियड चल रहा था, और ऐसे में वो आके 180 करोड़ की कलेक्शन नेट कर गई इंडिया से, तो भूल भुलैया 3 के लिए स्काई लिमिट है, अगर उसका वर्ड बहुत पॉजिटिव आ गया तो। फ्रेंड, आपको जो फिफ्थ नंबर पे बड़ी मूवी देखने को मिलेगी 2024 में, वो आपको क्रिसमस पे वेलकम टू द जंगल देखने को मिलेगी। ये वेलकम फ्रेंचाइज का थर्ड पार्ट है, जिसकी स्टार कास्ट अगर हम अनाउंस करने यहाँ लग पड़े तो ऑलमोस्ट 1-2 मिनट से उसकी स्टार कास्ट अनाउंस करने में लग जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी स्टार कास्ट है। उसकी जो टाइटल अनाउंसमेंट हुई थी, आप उस वीडियो में देख सकते हैं कि उसकी स्टार कास्ट कितनी बड़ी है। लिटरली आप सिर्फ नेम लेते जाएँ, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ सब इस मूवी में हैं। इसी तरह हीरोइंस का आप नाम ले लें, दिशा पटानी, रवीना टंडन, लिटरली बहुत बड़ी स्टार कास्ट है इसकी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की टॉप 5 ऐसी मूवीज़ जो 2024 में काफ़ी धमाल मचा सकती हैं, काफ़ी बड़े धमाका कर सकती हैं, लेकिन इनका कंटेंट क्लिक करना चाहिए। अब आप इन 5 मूवीज़ में से सबसे ज़्यादा किसके लिए एक्साइटेड हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।